बना रहे थे, हमारी रंगोली बन चुकी थी ऑलमोस्ट, कुछ बच्चों के रह गए थे शायद, दो लोग अपना कर रहे होंगे। तो हम लोग दीपक वगैरह जला के हम लोग जा रहे थे, पटाखे वगैरह जलाएं और हम लोग मिठाइयाँ खा रहे थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही ये सब मतलब लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया, हिंसा शुरू हो गई, इधर नारे लगने लगे बच्चों के, कोई जय फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा, कोई जय माता दी के नारे लगा रहे, तो इसी में लड़ाई वगैरह हो गई। तो क्या ऐसा क्या हुआ जब शांतिपूर्वक आप लोग रंगोली बना रहे हैं, दीपोत्सव मना रहे हैं, तो किस तरीके से ये ऐसा क्या इंस्टिगेट हुआ कि ये सब होने लगा? बताया तो ऐसा जा, क्योंकि हम वहाँ पे प्रेजेंट थे नहीं, हम कैंपस में चले गए थे उधर, बट ऐसा बताया जा रहा है कि पैर से शायद दी वगैरह लग गए थे किसी का और रंगोली वगैरह पे उसके पैर चढ़ गए थे, तो सामने वाले जिसका रंगोली था वो गुस्सा हो गया, तो इसी वजह ये छोटी सी लड़ाई बड़ा रूप ले ली। और किस तरीके के नारे लग रहे थे, क्या हुआ, क्या झड़प हुई, किसी को चोट लगी, आपने क्या देखा? मैंने यही देखा कि जैसे हाँ चोट तो लगी है, बच्चों को चोट लगी है, हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं तो उन लोगों को चोट लगी। फिर उसके बाद जो झड़प हुई उसमें फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और दूसरी माता की जय नारे लग रहे थे, ऐसी चीजें हो रही थी। तो क्या एज अ जेएनयू स्टूडेंट क्या जब ये ऐसी हादसे देख रही है अपने आसपास कैसा फील करती है कि आप स्कूल में? डर का माहौल होता है अंदर, मतलब ये होता है कि कैसे किसी तरह हम अपने हॉस्टल भागे यहाँ से, यहाँ पे पूरा भाग दौड़ मच गई, तो फिर हम लोग अपने हॉस्टल चले। एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के बारे में बताने की कुछ ऐसा आप लोग प्लान कर रहे हैं कि ऐसा? पहली चीज तो एडमिनिस्ट्रेशन की ही गलती है, कोई भी बाहरी लोग चाहे आप कुछ भी हो, अपने अपने कॉलेज के हो गए, भानु प्रताप सिंह आए, उन्हीं के कुछ आने की देर बाद बस ये लड़ाई वगैरह शुरू हो गई। तो वो DU के प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं, तो वो आए, उन्हीं के थोड़ी देर बाद लड़ाई झगड़े शुरू हुए। हमारा कहना ये है कि किसी भी बाहर चाहे कोई भी हो, बाहरी लोगों को क्यों परमिशन दिया जा रहा है अंदर आने का हमारे कैंपस में? बाहर के लोग आए थे अंदर। हाँ, तो हमारा दिन भर में 10 बार ID कार्ड चेक होता है, और जबकि हम इसी स्टूडेंट और जानते भी फेस टू फेस पहचान भी लिए सारे कार्ड, फिर भी हमें मतलब ID कार्ड देखा जाता है। तो इस बात से आप क्यों नहीं रोके, कोई भी हो आपकी मतलब चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कुछ भी हो, आप किसी को अंदर क्यों आने देंगे? है दूसरे यूनिवर्सिटी जो भी होगा अपने कैंपस को, हमारे कैंपस का कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों में इस बात को लेकर शायद हो सकता है गुस्सा हो।